टैगोर चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि समाजवादी स्मार्टफोन योजना में आप कैसे अप्लाई या रजिस्टर कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत सरकार रजिस्टर्ड लोगों को फ्री में स्मार्टफोन देगी। इसका उद्देश्य भारत के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की ज़्यादा से ज़्यादा जनता को डिजिटल वर्ल्ड और सुविधाओं से जोड़ना है। स्मार्टफोन इसके लिए डेफिनेटली सबसे अच्छा माध्यम है। इस सब को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने 10 अक्टूबर से समाजवादी स्मार्टफोन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किए हैं। तो अगर आप 18 साल या इससे अधिक आयु के उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और हाई स्कूल यानी 10th मैट्रिक तक पढ़े हैं तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। पर इसमें एक शर्त यह है कि आपकी साल की आय 6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और आप या आपके अभिभावक पेरेंट्स क्लास 1 या क्लास 2 सरकारी अधिकारी नहीं होने चाहिए। शुरुआत में आवेदन की तिथि 10 दिसंबर थी, जिसे पहले 30 दिसंबर और फिर 31 जनवरी 2017 तक बढ़ाया गया। रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑनलाइन किया जा सकता है, जिसके लिए सरकार ने अलग से एक वेबसाइट बनाई है। आगे आप देखेंगे कि वेबसाइट पर आप खुद आवेदन कर सकते हैं या अगर कोई खुद कंप्यूटर या इंटरनेट नहीं चला सकता तो वो अपने निकटतम जन सुविधा केंद्र पर भी आवेदन करवा सकता है। ये प्रक्रिया फ्री है। सरकार का कहना है कि योजना में रजिस्टर्ड लोगों को स्मार्टफोन जून 2017 से मिलने शुरू हो जाएंगे और ख़ास बात यह है कि फ़ोन लेने आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। सरकार इसे सीधे आपके घर डिलीवर करेगी। अभी ये साफ नहीं है कि फ़ोन किस कंपनी का या कौन सा मॉडल होगा, लेकिन अनुमान है कि ये एक मिड रेंज एंड्रॉयड फ़ोन होगा। चलिए अब देखते हैं कैसे समाजवादी स्मार्टफोन योजना में आप रजिस्ट्रेशन या आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी, हाई स्कूल या 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, आपका या किसी घर के सदस्य का वर्किंग मोबाइल नंबर और उत्तर प्रदेश का वैलिड एड्रेस। इसमें आवेदन 2 चरणों में होता है। पहला चरण कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र खोलें, एड्रेस बार में samajwadi.sp.in टाइप करें। ये वेबसाइट आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे भी देख सकते हैं। साइट खुल जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं साइट पर पंजीकरण करें के ऑप्शन वाले बटन पर क्लिक करें, इससे पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा। इसमें दी गई डिटेल्स को आप दिखाए गए अनुसार भरना है। भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें, जिससे आपको धन्यवाद का मैसेज के साथ एक आवेदन संख्या प्रदर्शित होगी। इसे आप कहीं नोट डाउन कर लें या आपके पास एक मैसेज भी आएगा जिस जो नंबर आपने दिया था उस नंबर पर आपके पास मैसेज आएगा, जिसमें आपकी आवेदन संख्या यानी आईडी और पासवर्ड होंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं इस मैसेज में।
दूसरे चरण में आपको इन आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरे चरण में आपको वेबसाइट खोलनी है और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन में जाकर दिखाई गई मेथड के अनुसार अपनी आईडी और पासवर्ड और डिस्ट्रिक्ट यानी जनपद डालना है और लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। जिससे रजिस्ट्रेशन का दूसरा फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आप दिखाए गए वीडियो में दिखाए गए अनुसार फील्ड्स में डिटेल भरनी है। और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इसमें ये ध्यान दें कि एक बार ये डिटेल भरने के बाद और सबमिट करने के बाद आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान से डिटेल्स भरें। फाइनल सबमिट करने पर आपके पास इस तरह का और मैसेज आएगा कि समाजवादी स्मार्टफोन योजना में आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है और आपकी आईडी ये है। इसके बाद आप इसका एक प्रिंट अपने कंप्यूटर में या प्रिंट आउट प्रिंटर से भी निकाल कर अपने पास सेव रखें, जिसे बाद में डिलीवरी के टाइम मांगा जाएगा। तो इस तरह आप इस योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो में दिखाई गई वेबसाइट्स की लिंक्स नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दी गई हैं। आई एम श्योर यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। और ऐसी अन्य यूज़फुल वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।